औद्योगिक नगरी पीथमपुर के सागौर थाना अंतर्गत आने वाले ऑटो टेस्टिंग ट्रैक में बीती रात तेंदुए का मूवमेंट देखा गया था, जिसे रेस्क्यू कर पकड़ लिया गया है। नेटरेक्स में लगे सीसीटीवी में तेंदुआ कैद हुआ, वहीं तेंदुए द्वारा नीलगाय का शिकार किया गया, जिसके बाद नेटरेक्स अधिकारियों ने तुरंत वन विभाग के अधिकारियों को सूचना दी। नेटरेक्स में औद्योगिक इकाइयां होने और लोगों का आवागमन होने के चलते क्षेत्र में प्रशासन अलर्ट पर है। वहीं फॉरेस्ट अधिकारी अश्विनी त्रिवेदी ने जानकारी देते हुए बताया कि ऑटो टेस्टिंग ट्रैक में लगे कैमरे में तेंदुए का मूवमेंट नजर आने के बाद वन विभाग की टीम लगातार सर्चिंग कर रही है। टेस्टिंग ट्रैक के हर सीसीटीवी पर लगातार नजर रखी जा रही है, वहीं पिंजरे भी रखे गए हैं। अनुविभाग के नगर पुलिस अधीक्षक तरुणेन सिंह बघेल ने जानकारी देते हुए बताया कि मूवमेंट के बाद वन विभाग के अमले के साथ पुलिस की टीमों को भी रहवासी क्षेत्र में पॉइंट लगा दिए गए हैं। पीथमपुर से संजय सोनग्रह की रिपोर्ट। सीसीटीवी फुटेज भी आया सामने, सर पूरा क्या मामला है जानकारी देंगे आप? नेटरिक्स परिसर में तेंदुआ देखा गया है, वहाँ के सीसीटीवी में भी सामने आया है। नील गाय का शिकार भी तेंदुआ ने किया है और फॉरेस्ट विभाग को तेंदुओं को पकड़ने के लिए या वहाँ से रिप्लेस करने के लिए बता दिया गया है। और कोई भी कानून व्यवस्था स्थिति निर्मित होती है तो उसके लिए पुलिस विभाग और नगर रैंप बनाया हुआ है और नेटरिक्स प्रशासन से सीधे बात कर रहा है। ठीक सर, आप हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।